उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम के लालकुआ डिपो 4 व 5 में करोड़ों रुपए के घपले का मामला सामने आया है। निगम की विशेष आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि डिपो में लकड़ी की अवैध निकासी, गबन और वित्तीय अनियमितता की गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक प्रकरण की SIT से जांच कराई जा रही है। निगम की विशेष आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक संरक्षा के अधिकारी के नेतृत्व में दल ने 25 अगस्त से 21 सितंबर 2023 के बीच लालकुआ डिपो 4 में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच के दौरान पाया कि लेजर तैयार करने में नियमों का पालन नहीं हुआ, लेजर में नीलाम व तिथिवार क्रम में खतौनी नहीं मिली। ये भी पाया गया कि लाट का मूल्य GST की खतौनी में लाट संख्या का उल्लेख नहीं है। क्रेताओं के खातों में विक्रय मूल्य एवं टैक्स मद में पूरी धनराशि प्राप्त किए बिना 1,69,00,000 से अधिक के बिल जारी किए गए। क्रेताओं के खातों में दिखाई गई 27,00,000 से अधिक की क्रेडिट धनराशि का समायोजन नहीं किया गया। विभाग के राजस्व के गबन का भी मामला सामने आया है। नीलाम में जिस लाट को 26,800 रुपए में बेचा गया, जिसकी मास्टर कॉपी में भी यही धनराशि दर्ज है, लेकिन विक्रय लाट रजिस्टर में फ्लूट लगाकर ओवरराइटिंग करते हुए विक्रम मूल्य 19,08,000 अंकित कर निगम को 70,000 रुपए की क्षति पहुंचाई गई। उत्तराखंड वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने 3 मई 2024 को प्रभागीय विक्रय प्रबंधक हल्द्वानी को पत्र लिखकर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि लालकुआ डिपो संख्या 4 और 5 में राजस्व हानि, अवैध निकासी, गबन और वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई है। प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। निगम में किसी भी तरह की अनियमितता पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रकरण में SIT को जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।